आज मैं बनाने वाली हूँ बाटी की रेसिपी, और ये बाटी मैं बिना ओवन के बनाऊंगी। मैं इसको कुकर में बनाऊंगी, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इस बाटी को कुकर में आसानी से बना सकते हैं। बिना किसी प्रॉब्लम के कुकर में भी बाटी बहुत अच्छी बनती है, एकदम अच्छी क्रिस्पी और अच्छे से बन जाती है और सॉफ्ट भी बनती है। तो इस बाटी को मैंने कैसे बनाया है और इसके लिए क्या क्या चाहिए वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ मैंने कैसे बनाया। वेलकम बैक टू माई चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब मैं कोई न्यू रेसिपी डालूँ। और जो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाटी बनाने के लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। गेहूं के आटे में मैं थोड़ा अजवाइन डालूंगी जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको थोड़ा क्रश करके हाथों की हेल्प से मैं डालूंगी। स्वाद के अनुसार यहां पे मैं नमक ऐड कर दूंगी ताकि नमक डालने से क्या होता है कि पूरे अच्छा सा टेस्ट आता है। और 1/4 यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा ऐड करूँगी और 2 चम्मच यहाँ पे मैं घी ऐड करूँगी। घी डालने से आप बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आता है और जो क्रिस्पी भी बनता है हमारी बाटी। तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन घी डालें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के हम इसका एक डो रेडी करेंगे। डो हम मीडियम डो रेडी करेंगे और इसका बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डो रेडी कर लिया, आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखाया इस तरह का होना चाहिए डो। और इसको हम 10 मिनट के लिए एक साइड में रख देते हैं थोड़ा देर सेट होने के लिए। उसके बाद हम इसकी एक साइज़ की लोई बना लेंगे। तो इस तरह की आपको बाटी जितनी बड़ी बनानी हो, छोटी बनानी हो, जैसी भी बनानी हो आप उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हाथों की हेल्प से और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा आटा डाला है। आटा डालने से क्या होता है कि हमारी जो बाटी है अंदर तक अच्छे से जाएगी और अंदर एक स्पेस सा बन जाता है जिससे कि हमारी जो बाटी है वो कच्ची नहीं होती है और पूरे तरफ चारों तरफ से अच्छे से पक जाती है। अगर आप बिना इसको इस तरह से किए अगर आप बाटी को बनाएंगे तो बाटी हार्ड भी बनेगी और अंदर से कच्ची भी हो जाएगी। तो आप ये इस तरह से ज़रूर बनाएं तो आपकी बाटी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो इसको हम इसी तरह से रोल कर लेंगे और थोड़ा सा आप हाथों को चिकना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी बाटी बना के रेडी कर ली है। शेप आप कैसा भी रख सकते हैं, गोल भी कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको चपटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कुकर। कुकर में मैंने घी डाला है 2 चम्मच। घी हमने फ्राई नहीं करना है, हम केवल थोड़ा सा घी डाल के और इसकी तली में और हम ये बाटी को डाल देंगे तो बाटी धीरे 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 इसी घी में हो जाएगी। और आप देख सकते हैं एक साइड से होने के बाद मैं इसको पलट दूंगी। तो यहाँ पे मैंने पलट दिया है, देख सकते हैं आप एक साइड से थोड़ा हो गई है तो इधर मैंने पलट दिया है। और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के फिर से इसको कवर कर देंगे और ढक्कन से, और इसका जो विसल है वो निकाल देंगे, नहीं तो अगर विसल लगा रहेगा तो पानी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये ऊपर कवर कर दिया था, वापस से मैंने इसको ओपन किया है और फिर से मैं इसको पलट लूँगी। इसी तरह से हमको बाटी को हर 5 मिनट में 10 मिनट में धीरे धीरे करके और हल्के हाथों से करना है, नहीं तो बाटी टूट सकती है। तो चारों तरफ से हमें घुमा घुमा के सेक लेना है तो हमारी बाटी एकदम क्रिस्पी बनेगी, एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा से क्रैक्स भी आने लगे हैं इसमें। तो इसी तरह से हम बाटी को बना लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं बाटी काफ़ी अच्छी और क्रिस्पी एकदम सिक चुकी है और फट भी गई है। अगर बाटी इस तरह से क्रिस्पी हो जाए और फट जाए तो समझ लीजिए बाटी हमारी परफेक्ट बन गई है और पक चुकी है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में बाटी को निकाल लिया है और आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो चलिए हम सर्व कर लेते हैं बाटी को। इस बाटी को आप दाल के साथ खा सकते हैं, आप इसको चोखा के भरता के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं, जो ये मिर्च का अचार है इसके साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आपके पास जो पसंद हो आप उससे
बाटी को खा सकते हैं और ये बाटी बहुत टेस्टी बनती है। तो अगर आपको ये बाटी पसंद आई हो तो ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी बाटी बनाने का तरीका कैसा लगा हो। और अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और फ्रेंड्स फैमिली में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अच्छी अच्छी और न्यू इनोवेटिव वीडियो देखने के लिए। तब चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे।